नमस्ते, मैं मोनिका खन्ना गुलाटी और आज हम बात करेंगे कैसे हमें अपने घर के कूड़े का नियोजन करना है। गीला, बेकार और सूखा, ये है हमारा गीला कचरा, जिसको हम गीला कचरा बोलते हैं, जो हमारी रसोई में से उत्पन्न होता है। इसमें हमारे किचन का जितने भी छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, बचा हुआ खाना है, और अगर गीला खाना है उसमें से उसको आप छन्नी में से निकाल के, उसका लिक्विड निकाल के उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल करके आप इसको अपने हरे बिन में डालेंगे। हरे बिन में डाल करके ये आपका कूड़े वाला ले जाएगा। लेकिन आप जो भी करें, अपने बिन में बिन लाइनर नहीं लगाएं, क्योंकि जो भी आप प्लास्टिक बैग उसमें डालेंगे, ये प्लास्टिक बैग लैंडफिल में जाएगा। और आप सोचिए, साल के 365 बैग आप लैंडफिल में भेजेंगे, तो ये प्लास्टिक बैग्स को छोड़िए, आप सीधे अपना किचन का वेस्ट बिन में डालिए और किसी एक बर्तन की तरह इस बिन को रोज धो डालिए। सूखा कचरा जो हम एक बैग में डाल करके बाहर रखते हैं और हमारा कूड़े वाला ले जाता है, उसमें हर तरह का सूखा कचरा है जिसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है, या जिसको कहते हैं रिसाइकलिंग की जा सकती है। जैसे गत्ता है, कागज़ है, न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, जितना भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के डब्बे हैं, ट्यूब्स हैं, और आपकी प्लास्टिक के कुछ भी खिलौने हैं, उनके छोटे पार्ट्स हैं, प्लास्टिक की डब्बियाँ हैं, इन सबको आप इकट्ठा रखेंगे ताकि आपका कूड़े वाला ले जाए और वो कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग की स्ट्रीम में चला जाए और लैंडफिल में ना पहुँचे। और एक बहुत ज़रूरी अंश हमारे ड्राई वेस्ट का अब है, उसको बोलते हैं ई वेस्ट, क्योंकि हम सबों के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और बहुत सारा ई वेस्ट उत्पन्न होता है। उसमें लाइट्स भी होती हैं, उसमें बैटरीज होती हैं, वायर्स होती हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं, फोन्स हो सकते हैं, उन सबको आप एक बैग में ड्राई वेस्ट के साथ ही रखिए। कई शहरों में ई वेस्ट अलग से दिया जाता है, लेकिन अगर आपके शहर में ड्राई वेस्ट के साथ ही ई वेस्ट को दिया जाता है, तो आप कृपया ड्राई वेस्ट के बैग में ही डालें। टूटा हुआ कांच होता है तो वो अलग से दिया जाता है, कूड़े वाले के हाथ में दीजिए ताकि उनका हाथ ना कटे जब वो उठा रहे हों। और ये है हमारा बेकार कचरा, जिसको बिल्कुल रिसाइकलिंग में नहीं भेजा जा सकता है और मोस्टली जो हमारी लैंडफिल में ही जाएगा। उसमें आते हैं आपके सैनिटरी पैड्स, डायपर्स, सिरिंजेस और कुछ भी आपने जैसे जिसमें आपके शरीर का कोई भी खून या कुछ एक्सट्रीटा कुछ भी है, उसको आप इस वाले कचरे में डालेंगे और इस बिन में, लाल रंग के बिन में डालेंगे और अलग से पैक करेंगे, न्यूज़पेपर में पैक करेंगे, ताकि हमारे वेस्ट पिकर्स के हाथ उन पर ना लगे। और इनको आप डायरेक्टली ही लाल बिन में डाल सकते हैं। देखिए, ये एक महीने में एक घर तकरीबन इतना और शायद इससे दुगना कूड़ा उत्पन्न करता है। तो हमें देखना है हम कहाँ अपना कूड़ा कम कर सकते हैं, किन चीज़ों को कम कर सकते हैं, और हर चीज़ को सही जगह में डालना है। ये है सूखा कूड़ा, इसमें मेटल भी है, प्लास्टिक भी है, डब्बे भी हैं, कागज़ भी है, गत्ता भी है, कांच भी है, और ये जाएगा हमारे सूखे कचरे के बैग में। जितने डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स, वो अखबार में लपेट कर लाल बिन में जाएंगे, और जितना रसोई का हमारा गीला कचरा है वो हमारे हरे बिन में जाएगा। और अगर ये 60% कूड़ा हम इसको हरे बिन में डाल देते हैं, तो आप सोचिए 7% कूड़ा आप लैंडफिल से दूर रख रहे हैं, और ये 10%, और ये ऑलमोस्ट 30% कूड़ा। तो आप अगर ऐसे छोटा छोटा स्टेप लेंगे, छोटे छोटे कदम लेंगे, इसी से ही आप अपने शहर के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और अपने सिर्फ कचरे का, घर के कचरे का नियोजन करके अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं अपने पर्यावरण की तरफ।